पिछले अपनी टॉप 5 बेस्ट कार न्यूज के बारे में बात करेंगे आज, जिसमें से नंबर 2 वाली तो लाइफ सेविंग है और नंबर 4 वाली न्यूज तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है, उसको सुनकर ही जाइएगा। तो अगर पहली न्यूज की बात करें तो महिंद्रा XUV300, इस गाड़ी का इंटीरियर और लॉन्च डेट लीक हो चुकी है। मतलब लॉन्च डेट तो मैंने निकाली है जो कि क्लियर है एकदम, बट इसके इंटीरियर का क्रेडिट रशियन वालों को जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकती हो ये गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील है जो कि बस अभी टेस्ट हो रही है गाड़ी, जब लॉन्च होगी सो ये वाला स्टीयरिंग व्हील आएगा। और बाकी यहाँ पर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि पूरा ढका हुआ है अभी, बट जो इंफोटेनमेंट सिस्टम महिंद्रा थार 5 डोर के अंदर आएगा ये वाला, वही सेम इसके अंदर भी आएगा। और बाकी यहाँ पर इसके एसी कंट्रोल्स, एयर वेंट्स और कुछ और चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आएगी जो कि अल्ट्रा प्रीमियम फीचर है भाई। और इसका मैनुअल वाला गियर लीवर और इसका ऑटोमेटिक वाला गियर लीवर और बाकी रियर सीट्स तीनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट एंड रियर रिसीवेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और बाकी ये गाड़ी का एक्सटीरियर या फिर आउटसाइड यहाँ से भी मामला ठीक ठाक ही है। ये फ्रंट है जो कि कुछ ऐसा होगा और ये रियर है जो कि अभी कुछ खास इसका अंदाजा नहीं हमें, हो जाएगा तो बता देंगे आपको। और अगर लॉन्च डेट की बात करें तो इसकी लॉन्च डेट है 14th of February in 2024। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लोग गूगल के अंदर सर्च मारोगे महिंद्रा XUV300 फर्स्ट टाइम लॉन्च इन इंडिया डेट, तो वहां पर एक डेट आएगी 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी को ये गाड़ी पहली बार लॉन्च हुई थी, सो 14 फरवरी को इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी लॉन्च होगा, यहां पर मेरा इतना कहना है। उसके बाद अगली न्यूज, सो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्पीड क्या है? स्पीड शायद से उसका मतलब रफ्तार होता है। रफ्तार तो होता है, आप उसको एक तरह से भी कह सकते हो कि अगर आप लोग स्पीड को हासिल कर लो तो आप कोई भी काम जल्दी कर सकती हो। जल्दी कहीं पहुंचना है, जल्दी खाना है, जल्दी हकना मूतना है, तो आप वहां पर स्पीड दिखाकर अपना काम कर सकती हो। बट अगर हम लोग स्पीड का इस्तेमाल ड्राइविंग के टाइम वो भी गलत तरीके से करें तो वहां पर हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से पक्का है। भाई साहब, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एंग ड्राइवर शायद से अकेले KMP एक्सक्लूसिव पर अराउंड 120 की रफ्तार से कहीं जा रहे थे, और आपने साइड में ये रेलिंग्स देखी होंगी जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। भाई अगर इनके अंदर आपकी गाड़ी फिट गई, भाई साहब गाड़ी फट जाती है। 120 की रफ्तार से यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो की टक्कर इस रेलिंग से हुई, और जैसे टक्कर हुई भाई साहब ने अपने एक पैर ऊपर कर लिया और एक इनका पैर नीचे छूट गया। रेलिंग गाड़ी के बीचों बीच घुसते हुए इनके पैर को काटते हुए पूरा गाड़ी के आर पार निकल गया और इनको अपना एक पैर यहाँ पर खोना पड़ा, जो कि काफी दुख की बात है। सो यहाँ पर आपने देखा कि स्पीड कितनी खतरनाक चीज होती है। ये भाई साहब यहाँ पर मौत के मुंह से टक से वापस आ गए। इनकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आपकी किस्मत और अच्छी हो सकती है अगर आप वो कायदे चलो, स्पीड लिमिट को कम से कम पार करो एंड ज्यादा मतलब हीरोपति ना करो रोड पर। एंड ऑलवेज ड्राइविंग सेफ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे हम लोग भी और सेफ हो जाएंगे। उसके बाद अगली न्यूज, महिंद्रा थार 5 डोर, इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड लीक हो चुका है। वो भी ऐसा वैसा नहीं लीक वाला, बस इसका डैशबोर्ड ही लीक हुआ है। मतलब यहाँ पर जो महिंद्रा की रिसर्च लाइब्रेरी है वहां पर महिंद्रा वाला ने ऑस्ट्रेलिया कुछ ऑटोमोबाइल यूट्यूबर्स को बुलाया था एंड वहां पर महिंद्रा वालों ने अपना सब कुछ दिखा दिया बाहर वालों को। भाई यार ये तो खुल्लम खुल्ला गद्दारी हो रही है। मतलब बाहर वाले हमारे देश में आकर हमारी चीजें देख रहे हैं, बट हम ही लोग अपने देश में अपनी चीजें नहीं देख पा रहे हैं यार। कम से कम चलो हमें नहीं बुलाया, मैं तो अभी कुछ नहीं हूं, लेकिन जो हमारे और बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स हैं कम से कम उनको तो बुलाना था यहाँ पर, बट महिंद्रा वालों ने उनको भी नहीं बुलाया यहाँ पर, बट हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग महिंद्रा थार 5 डोर का डैशबोर्ड देख सकती हो। यहाँ पर अभी स्टीयरिंग व्हील नहीं है क्योंकि लैब में है, और यहाँ पर इसकी सस्पेंशन की और चीजों की टेस्टिंग हो रही है, तभी यहाँ पर ऐसे हिला जा रहे हैं यहाँ पर चलने वालों को कंफर्ट दिखाने के लिए कि हमारी गाड़ी कितनी कंफर्टदार है। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल आप देख सकती हो, थार है कुछ पकड़ने के लिए तो चाहिए ना, और वहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम के पास खाली जगह है। और बाकी यहाँ पर ऐसे कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है, बस डैशबोर्ड का कलर जो कि डुअल टोन में इस बार, और बड़ी स्क्रीन आ गई इस बार, और हमें इसके अंदर अभी कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, बट आफ्टर लॉन्च यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें दिख जाएंगी। उसके बाद नंबर 4 न्यूज, जो कि भाई साहब काफी अमेजिंग न्यूज है, होंडा क्रेटा फेसलिफ्ट का इंटीरियर लीक हुआ है। बट यहाँ पर एक चीज निगेटिव है, ये जो इसकी स्पाई इमेज है वो रात के टाइम की है, बट फिर भी यहाँ पर हम काफी सारी चीजें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑटोमेटिक IRVM, वहां पर आप कुछ बटन देख सकते हो, जैसे इसको पलट पड़ेगी अपने आप ऊपर नीचे यहाँ वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। और बाकी उसके आगे एक डैश कैम भी हमें दिख रहा है, जो कि यह बहुत ही नेसेसरी एंड काफी अमेजिंग फीचर होता है। डैश कैम तो गाड़ी के अंदर होना ही चाहिए, और ये इमेज थोड़ी अच्छे से ली नहीं गई यहाँ पर, नहीं तो कुछ और डिटेल्स भी हमारे सामने आ जाती, जैसे कि यहाँ पर इसकी MID जो कि फुल डिजिटल होगी होगी, कोई यहाँ पर शक नहीं है। और यहाँ पर हमें हल्का सा ब्लू थीम दिख रहा है, और स्टीयरिंग व्हील पर कुछ बटन जो कि इसे ब्राइट हो रहे हैं। और बाकी मुझे तो यहाँ पर इतनी डिटेल दिख रही है, अगर आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करो एंड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो कि मैं नहीं देख पाया हूँ, एंड डिटेल इन द कमेंट सेक्शन की आपने क्या देखा। और बाकी ये गाड़ी की रियर इमेज, ऊपर ये लंबी सी ब्रेक लैंप एंड नीचे यहाँ पर इसकी टेल लैंप जो कि पूरा ऐसे कनेक्टेड पार्ट में है यहाँ से लेकर पूरा वहां तक। और इसका शेप मेरे को ऐसे काफी इंटरेस्टिंग से लगा, ऐसे ब्लॉक शेप में, यहाँ पर से ब्लॉक है एंड यहाँ पर से ब्लॉक है एंड ऊपर ऐसे कुछ निकला हुआ यहाँ तक, सही ऐसे काफी। और यहाँ पर नीचे इसके 4 पार्किंग सेंसर्स, और बाकी मेरे को तो यहाँ पर इतना ही दिखा। उसके बाद अगली न्यूज, मारुति फ्रॉक्स एंड नई वाली मारुति ब्रिजा, इन गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हो चुका है। अच्छा भारत के अंदर? अरे नहीं नहीं, सो ग्लोबल कैप के अंदर? अरे नहीं यार, लैटिन ऑस्ट्रेलियन, माई कौन सा कैप है? मारुति इनकैप। और इस इनकैप के अंदर इन गाड़ियों को पूरे 5 out of 5 स्टार मिले हैं। भाई यार मारुति वालों ने
इनको खुद ही टेस्ट कर दिया और यहाँ पर इसके क्रम्पल जोन की टेस्टिंग हुई है, किसका बोनट एंड रियर कितना दबता है, मतलब कोई सेंस इस बात का? हद यार, कौन ही भरोसा करेगा तुम्हारे ऊपर ये सारी चीजें देखकर? इससे कोई फर्क नहीं होगा, प्रॉपर इनको ग्लोबल इनकैप या फिर भारत एनसीएपी के अंदर टेस्ट कराओ तो कोई बात बने, और गलती से ऑस्ट्रेलियन इनकैप के अंदर मत चले जाना क्योंकि वहां पर तो आपकी गाड़ी जाती ब्लास्ट हो जाएगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बहुत तगड़ी थी, लेकिन अगर आपको महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में एकदम तगड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करो।